सोशल मीडिया। आज हम देखेंगे सोशल मीडिया से जुड़े कुछ शब्दों के बारे में। सबसे पहला है सामाजिक माध्यम यानी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया यानी कि एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा लोग आपस में जानकारी बांटते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं सोशल मीडिया। अगला है मंच। मंच यानी कि प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म इस जानकारी को बांटने के लिए अलग अलग मंच होते हैं और उसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लेटफॉर्म। समाचार फीड मीन्स न्यूज फीड। न्यूज फीड जिससे हमें सामाजिक नई घटनाओं की जानकारी मिलती है और उसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूज फीड। अगला है प्रभावक। प्रभावक यानी इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर प्रभावक यानी इन्फ्लुएंसर। छोटा संदेश मीन्स सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट छोटा संदेश जो सामाजिक माध्यम पे प्रसारित होता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है सोशल मीडिया पोस्ट। आपकी स्थिति यानी कि स्टेटस। स्टेटस हम हमारे लाइफ में कहाँ पे घूमने जा रहे हैं या फिर हमें कैसा महसूस हो रहा है वो सब हम सोशल मीडिया पे या फिर सामाजिक माध्यम पे हम डालते हैं, उसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टेटस। सदस्यता लेना जिसे कहा जाता है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कोई भी चीज की जब हम सदस्यता लेते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है सब्सक्राइब। टिप्पणियां यानी कि कमेंट्स। कमेंट्स हर कोई अपनी अपनी टिप्पणियां लिखते हैं, उसे इंग्लिश में कहा जाता है कमेंट्स। नेक्स्ट इज पसंद करना यानी लाइक। लाइक अगर कोई भी चीज हमें पसंद आती है तो हम क्या करते हैं, उसे लाइक करते हैं, तो पसंद करने को हम इंग्लिश में कहेंगे लाइक। और ना पसंद करना यानी डिसलाइक। डिसलाइक ना पसंद करना यानी डिसलाइक। साझा करना जब हम सामाजिक माध्यम पे कोई भी जानकारी एक दूसरे को भेजते हैं तो उसे कहते हैं साझा करना और इसे इंग्लिश में कहा जाता है शेयर। शेयर साझा करना यानी शेयर। और यही चीज जब तेजी से प्रसारित होती है तो इसे कहा जाता है वायरल। वायरल कोई भी चीज जब हम एक दूसरे को भेजते हैं और भेजते भेजते जब हम वो तेजी से प्रसारित होती है तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है वायरल। नए बदलाव। नए बदलाव यानी अपडेट। अपडेट नए नए बदलावों को इंग्लिश में कहा जाता है अपडेट। सामाजिक माध्यम पे कोई भी फोटो डालना मीन्स कोई भी फोटो डालना, फाइल डालना या कोई भी चीज डालने को इंग्लिश में कहते हैं अपलोड। अपलोड सामाजिक माध्यम पे जब हम कोई भी चीज डालते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है अपलोड। और सामाजिक माध्यम से कोई भी जानकारी पाने को इंग्लिश में कहा जाता है डाउनलोड। डाउनलोड यानी कि सामाजिक माध्यम से कोई भी चीज अपने पास लेना। चित्रमय पात्र यानी कि एमोजी। एमोजी चित्रमय पात्र को इंग्लिश में कहा जाता है एमोजी जो हमें हाव भाव दर्शाने के लिए यूज होते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं एमोजी। अगला है आकर्षक और वर्णनात्मक छवियां, इसे कहा जाता है मीम। मीम आकर्षक और वर्णनात्मक छवियां को इंग्लिश में कहा जाता है मीम। ये जो छवियां होती है उनका उपयोग होता है भाव विचारों और चुटकुलों को व्यक्त करने के लिए और उसे इंग्लिश में कहते हैं मीम। रूपरेखा मीन्स प्रोफाइल। प्रोफाइल रूपरेखा को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोफाइल। रूपरेखा की जो तस्वीर होती है उसे इंग्लिश में कहते हैं कवर फोटो। कवर फोटो यानी कि रूपरेखा की तस्वीर। अगला है समर्थक। समर्थक यानी कि फॉलोवर्स। फॉलोवर्स हमारे जो समर्थक होते हैं यानी कि जो प्रभावक जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको जो समर्थक होते हैं उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है फॉलोवर्स। और प्रशंसक को कहा जाता है फॉलोइंग। फॉलोइंग प्रशंसक यानी कि फॉलोइंग। स्थान बताना मीन्स पिन। पिन अपना स्थान सामने वाले को बताने को इंग्लिश में कहा जाता है पिन। हैशटैग। हैशटैग को इंग्लिश में कहते हैं हैशटैग। हैशटैग जिसका यूज
कोई भी चीज के पहले किया जाता है, यानी कि कोई भी शब्द के पहले इसका यूज होता है और इसकी वजह से कोई भी विषय को हम सही से ढूंढ सकते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं हैशटैग। उपनाम, उपनाम यानी टैग। टैग उपनाम को इंग्लिश में कहा जाता है टैग। किसी भी पोस्ट, फोटो, वीडियो या फिर स्टेटस में किसी दूसरे आदमी को शामिल करना यानी टैग। लिखावटी जानकारी, लिखावटी जानकारी यानी ब्लॉग। ब्लॉग लिखावटी जानकारी को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लॉग। खोज इंजन अनुकूल, इसे इंग्लिश में कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और इसका शॉर्ट फॉर्म है SEO, जिसका इस्तेमाल करके हम हमारी वेबसाइट यानी कि जो लिखावटी जानकारी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो खोज इंजन अनुकूल को हम इंग्लिश में कहेंगे SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला है लोकप्रियता, लोकप्रियता यानी कि ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग जब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा जो लिखावटी जानकारी है या फिर हमारी कोई भी जानकारी को देखते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है लोकप्रियता यानी कि ट्रेंडिंग। क्रियाकलापों की मात्रा, इसे कहते हैं ट्रैफिक। ट्रैफिक जब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी जानकारी को देखते हैं, उसे पढ़ते हैं तो उसे कहा जाता है ट्रैफिक यानी कि क्रियाकलापों की मात्रा। अगला है कार्यरत, कार्यरत यानी एंगेज। एंगेज जब हम दूसरे जो सोशल मीडिया वाले होते हैं उनके साथ में जब हम कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ में जब हम बातें करते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है एंगेज। लास्ट है विश्वसनीयता यानी कि ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी यानी कि जब हम गारंटी देते हैं कि 100% विश्वसनीय है तो उसे इंग्लिश में कहते हैं ऑथेंटिसिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।